हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए हेल्दी और डाइजेस्टिव मिलेट्स की दो रेसिपी लेकर आए हैं, मिलेट्स का हलवा और मिलेट्स की खीर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहले हम बनाने वाले हैं डिलीशियस बाजरे के आटे का हलवा। इस हलवे को बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल बाजरे का आटा और चीनी की जगह यहाँ हमने पाम जैगरी ली है। आप चाहें तो नॉर्मल गुड़ या चीनी ले सकते हैं और साथ ही थोड़े से काजू। तो सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करके उसका पतला सीरा तैयार कर लेंगे। पैन में हमने पानी बॉयल होने को रख दिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़ और इसे हल्का चलाकर मेल्ट होने देंगे। और दूसरी साइड पैन रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच शुद्ध देसी घी और इसे थोड़ा मेल्ट होने देंगे। अब घी गर्म हो चुका है तो इसमें ये बाजरे का आटा डालकर लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हलवा बनाने तो सबको आता है, तो आपको पता ही होगा कि आटे को जितना अच्छे से रोस्ट करेंगे हलवा उतना ही अच्छा बनता है। रिसेंटली बजट पास हुआ है और बजट पास होने से पहले हमेशा हलवा सेरेमनी जरूर होती है और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो हमने सोचा कि क्यों ना मिलेट्स का ही हलवा तैयार किया जाए। सीरा तैयार है और आटा भी अच्छे से रोस्ट हो रहा है। अब आटे में हम ये काजू डाल देंगे और गुड़ का सीरा हमने छान कर रख लिया था, तो सीरा भी इसमें डाल देंगे और बस चलाते हुए इसको थोड़ा पकाएंगे। नॉर्मल गुड़ जो होता है वो शुगर केन यानी कि ईख से तैयार किया जाता है, जबकि ये पाम से तैयार किया जाता है और ये नॉर्मल गुड़ से कम मीठा होता है। ये ज़्यादा हेल्दी और डाइजेस्टिव भी होता है। ये गुड़ शुगर या डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है और हीमोग्लोबिन लेवल को भी मेंटेन करने में ये पाम जैगरी बहुत ही असरदार है। अब देखिए हलवे का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, तो ऊपर से थोड़ा और घी डाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी लगे। अपनी पसंद के अनुसार आप और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यह हलवा बनकर तैयार है और कितना टेस्टी दिख रहा है। और बस अब इसे निकाल कर गर्मा गर्म बाउल या प्लेट में सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बार कोई मिलेट्स रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर ये हलवा रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हेल्दी और टेस्टी मिलेट्स हलवा तो बनकर तैयार है और अब हम बनाएंगे मिलेट्स की ही एक और हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी, सामक की खीर। सामक या समा व्रत में भी खाया जाता है। मिलेट्स खाने से कई सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो हमने पैन हीट होने को रख दिया था और अब डालेंगे इसमें एक चम्मच शुद्ध देसी घी। अब घी में हम डालेंगे थोड़े से बादाम और काजू या फिर अपने पसंद के अनुसार आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे और इसी पैन में हम सामक राइस डाल देंगे और इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो देखिए अब ये सामक भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो गैस ऑफ करके इसे निकाल लेंगे। दूसरे साइड हमने ये मिट्टी के बर्तन में मिल्क भी बॉयल होने को रख दिया था और ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब दूध में ये रोस्टेड सामक के चावल डाल देंगे और थोड़ा स्टीर कर देंगे। खीर को हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। मिलेट्स जनरली मिट्टी के बर्तन में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये पॉट अवेलेबल नहीं है तब आप स्टील या पीतल के बर्तन में भी बना सकते हैं। जनरली ये 15 से 20 मिनट में पक जाता है, लेकिन बीच में इसे चेक कर लेंगे कि राइस कच्चे तो नहीं है। आप चाहें तो सामक के दाने को फिंगर पर लेकर प्रेस करके चेक कर सकते हैं। अगर ये अच्छे से मैश हो जाता है तो ये बन चुका है, नहीं तो ढककर इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। और यकीन मानिए कि इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। अब इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल देंगे और इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे।
और फिर सबसे लास्ट में डालेंगे हम गुड़। यहाँ हमने बिल्कुल साफ वाला गुड़ लिया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है या आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो आप चीनी या मिश्री भी यूज कर सकते हैं। अगर गुड़ साफ नहीं है तो खीर के फटने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में गुड़ का सीरा बनाकर और छानकर खीर में डाल सकते हैं। और गुड़ को हमेशा लास्ट में डालें ताकि खीर अच्छे से बन सके। खीर को और थोड़ी देर पकाने के बाद फ्लेवर के लिए हम इलायची क्रश करके डाल देंगे, या फिर इलायची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी ही देर में ये खीर तैयार हो जाएगी, तो गैस ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा होने दें और बस आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने घर पर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये डिश आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you for watching my channel. Please like and subscribe my channel for more updates.